हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चोर चोर मौसेरे भाई, जिसकी लाठी उसी की भैंस। डूबते को तिनके का सहारा, मुंह में राम राम बगल में छुरी, ऊंची दुकान फीके पकवान। इस तरह के वो वाक्य आपने सुने होंगे, इनको हम कहते हैं कहावतें या लोकोक्तियां। ये पुराने समय की कुछ कहानियों से जुड़े हुए होते हैं। आज हम इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये सीखेंगे। तो चलिए, आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक ट्रांसलेट वेल सेवेंथ क्लास का चैप्टर नंबर 36 पढ़ते हैं और इनको हम याद करते हैं। प्रोवर्ब्स, सम प्रोवर्ब्स। सम का मतलब कुछ और प्रोवर्ब्स का मतलब कहावतें या लोकोक्ति, कहावत या लोकोक्ति यहां पर लिखा हुआ है। अभी यह चैप्टर शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल, अपने स्कूल के चैनल MRPS मांगेराम पब्लिक स्कूल को बेल का आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें या फिर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 36, इंग्लिश ग्रामर बुक ट्रांसलेट वेल। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सम प्रोवर्ब्स। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, फर्स्ट नंबर इज, विश्व में सैकड़ों भाषाएं हैं। कहावतें या लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा को सुंदर, सार्थक, प्रभावपूर्ण तथा भावपूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की कुछ कहावतें जो अंग्रेजी में कैसे बोली जाएंगी नीचे दी गई हैं। एक तरफ हिंदी लिखी हुई है और दूसरी तरफ उनकी इंग्लिश लिखी हुई है। नाउ वी विल स्टडी देम वन बाय वन। जिसकी लाठी उसी की भैंस, इसका मीनिंग होता है कि जिसके पास जोर होता है, जिसके पास ताकत होती है, सामान उसी का होता है। सामान ताकत वाले का। सामान किसका? ताकत वाले का। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं माइट इज राइट। इसको हम अलग-अलग नहीं पढ़ेंगे, इस पूरे सेंटेंस को हम एक ही तरह इकट्ठा पढ़ेंगे, माइट इज राइट। तो इस तरह से अब हम मीनिंग समझते हुए चलते हैं। माइट का मीनिंग होता है बल, बल, और राइट का मतलब होता है सही होना। तो ताकत ही बल या ताकत ही सही होता है, यानी कि वही सर्वोपरि है। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। ओस, ओस में पानी एक दो बूंद ही होता है, इसलिए उससे कभी प्यास नहीं बुझती। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे अ फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाई अ फैन। देखिए, इंग्लिश में इसका मीनिंग अगर वैसे निकालेंगे तो ये इसका मतलब होता है कि जो धुंध होती है, सर्दियों में आपने देखा होगा धुंध गली में दूर दूर तक, खेतों में भी होती है, उसको हम एक छोटे से पंखे से उड़ा नहीं सकते हैं। और हिंदी में इसका मीनिंग होगा ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, यानी कि थोड़े सामान से काम नहीं चलता, थोड़े सामान से काम नहीं चलता। नेक्स्ट,
चौथा चना बाजे घना, यानी के जिसके पास बल या निपुणता नहीं होती वह शोर मचाता रहता है, यानी कि जिसको काम नहीं आता वह बातें ज्यादा करता है, बातें ज्यादा बोलता है। काम नहीं आने पर शोर मचाना, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, एक खाली बर्तन बहुत शोर करता है। चोर चोर मोसेरे भाई, यानी के बुरे लोगों की टोली बड़ी जल्दी बन जाती है, बुरे लोग इकट्ठे रहते हैं, बुरे लोग मिलकर रहते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, पक्षी के पंख इकट्ठे रहते हैं, फ्लॉक का मतलब होता है झुंड बनाकर रहना, झुंड बनाकर रहना, फ्लॉक झुंड बनाना। कर बुरा तो हो बुरा, होए नहीं है ये, हो बुरा, अगर तुम किसी का बुरा करना चाहते हो तो तुम्हारा भी बुरा ही होगा। डू इविल एंड लुक फॉर लाइक, बुरा करो और ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा, इसका ये मीनिंग है। अपना अपना पराया पराया, अपना अपना ही होता है, पराया पराया ही होता है। ब्लड इज थिकर देन वाटर, खून पानी से भारी होता है, यानी के खून के रिश्ते ज्यादा ताकतवर होते हैं, खून का रिश्ता ताकतवर होता है। आप भले तो जग भला, अगर आप अच्छी तरह से रहते हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं तो सारी दुनिया भी अच्छी लगेगी, हो जाएगी। आप अच्छे, खुद अच्छे हैं तो दुनिया भी अच्छी। गुड माइंड गुड फाइंड, अच्छा दिमाग तो अच्छी खोज, फाइंड का मतलब यहां पर वह है अच्छी बातें ही खोजेगा, बुरे दिमाग में ही बुरी बातें आती हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी कि एक अकेले आदमी से लड़ाई नहीं होती, एक अकेला लड़ाई नहीं कर सकता, दूसरे का होना जरूरी होता है। इट टेक्स टू, दो होने जरूरी हैं टू मेक अ रो, लाइन बनाने के लिए। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो ज्यादा शोर करते हैं, बड़ा चढ़ाकर बातें जो करते हैं वो काम नहीं करते, बोलने वाले काम नहीं करते, काम नहीं करते। अभी जैसा आपने अखबारों में और न्यूज में देखा होगा कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कहते थे कि हमने बहुत तैयारी कर ली है कोरोना से बचने के लिए, और जब देखा गया तो अस्पतालों में बेड ही नहीं थे। तो यही है कि वो बोलते ज्यादा हैं, काम कम करते हैं। इसी तरह से बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं, सेल्डम का मतलब कभी कभी, कभी कभी ही काटते हैं,
बाइट का मतलब काटना। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, इसका अर्थ है अगर बुरा बुरी सोच के साथ काम करते हो, बुरी सोच के साथ बुरा काम ही होता है। गैदर थिस्टल एंड एक्सपेक्ट पिकल्स, गैदर का मतलब इकट्ठा करना, थिसल्स काटे और क्या मिलेगा, अचार ही मिलेगा। डूबते को तिनके का सहारा, अगर कोई मुसीबत में है उसको थोड़ा सा सहारा ही उसको बचा सकता है। मुसीबत में थोड़ा सा सहारा, थोड़ी सी मदद काम आ जाती है। A drowning man catches a straw, एक डूबता आदमी तिनके को पकड़ ले तो वो तैरने लग जाता है, यानी कि नदी में डूबने से बच जाता है। जैसा राजा वैसी प्रजा, एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स का मतलब प्रजा ही होता है कि भाई अगर बुरा राजा है तो प्रजा भी बुरी होगी, आलसी राजा है तो प्रजा भी आलसी होगी, यानी कि घर का बड़ा आदमी जैसा होगा वैसे ही उसके बच्चे होंगे। घर के बड़े जैसे ही बच्चे होते हैं। मुंह में राम राम, ये दो बार आएगा राम, बगल में छुरी, यानी के ऊपर से तो अच्छा बोले अंदर से सोच बुरी रखे। बोलने में अच्छा, बोलने में तो दोस्त की तरह बोलेगा और होगा दुश्मन। अ वुल्फ, एक भेड़िया, इन लैम्स क्लोथिंग, लैम्स, लैम्स का मतलब मेमना, मेमने के कपड़ों में, मेमने के वेशभूषा में, मेमने जैसा दिखने वाला जो भेड़िया होता है वह दुश्मन होता है, वह चाहता है कि आदमी को खा जाए। क्लोथिंग कपड़े। सांच को आंच क्या, सांच का मतलब होता है सच्चाई, यानी के सच छिप नहीं सकता, सच सच को परखने की जरूरत नहीं, परखने की जरूरत नहीं, वह तो अपने आप दिख जाता है, वह तो अपने आप दिख जाता है। प्योर गोल्ड, जो सच्चा सोना हो, तो प्योर का मतलब शुद्ध सोना, डज नॉट फियर द फ्लेम, आग से नहीं डरता, यानी कि उसको आग में कितना ही पिंड ला लो वह और ज्यादा चमकेगा। सोना आग में डालने पर और ज्यादा चमकता है, सोना आग में चमकता है। ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान का मतलब जिस दुकान में साजो सजावट ज्यादा होती है उसमें जो मिठाइयां होती हैं, पकवान जो होते हैं वो
अच्छे नहीं होते। ग्रेट क्राई लिटिल वूल, ज्यादा चिल्लाना लेकिन रुई कम। सजावट वाली दुकान पर मिठाई अच्छी नहीं होती। ऊंट के मुंह में जीरा, यानी के बड़े बड़ी जरूरत में थोड़ा सामान मिलना। अ ड्रॉप इन द ओशियन, समुद्र में इतना ज्यादा पानी होता है, अगर उसमें बूंद डालेंगे तो क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। इसी तरह से ऊंट का पेट बहुत बड़ा होता है, मुंह भी बहुत बड़ा होता है, अगर उसको जीरा खिलाएंगे, जीरा बहुत छोटा होता है, तो उससे ऊंट की भूख कभी नहीं मिट सकती। जैसे अगर हमें अगर कार खरीदनी है तो हमें पता है कि 5-6 लाख रुपए तक की कार आती है, लेकिन अगर हम 5 रुपए लेकर जाएं और बोलें कि मुझे कार दे दीजिए, तो क्या कार मिल जाएगी? कभी नहीं। तो उसको कहेंगे ऊंट के मुंह में जीरा। थोड़े समय के लिए सब कुछ बहुत अच्छा होना, थोड़े समय के लिए बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा लगता है। अ 9 days wonder, 9 दिन सब कुछ अच्छा लगता है। वंडर का मतलब आश्चर्य भरा होता है। किसी भी नई जगह पर जाएंगे तो हमें वहां पर सब कुछ अच्छा लगता है। 3-4 दिन घूमने जाते हैं, इसीलिए तो जाते हैं कि वहां पर हमें सब कुछ अच्छा लगता है थोड़े दिनों के लिए, लेकिन ज्यादा दिन रहेंगे तो हमें वहां पर हमारा मन नहीं लगेगा, हमें वापस अपने घर की याद आएगी। आगे दौड़ पीछे छोड़, यानी कि सबको पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाओ। हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट का मतलब रुकना बेकार है, यानी कि दौड़ते जाओ और पीछे लोगों को छोड़ते जाओ, यानी कि सबसे आगे रहने के लिए दौड़ लगानी पड़ेगी। आगे चलो, चलिए अब हम अगले पेज पर चलते हैं। भागते चोर की लंगोटी ही सही, यानी के बहुत सारे सामान में जो कुछ मिल जाए, जो हमारे हाथ से निकल रहा है, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी मिलता है वो भी बहुत अच्छी बात होती है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ अच्छा है कुछ भी ना होने से। हमारे पास अगर हमें मान लीजिए भूख लगी हुई है, और इतनी ज्यादा भूख लगी हुई है कि जैसे मान लीजिए हमें 5 रोटियां खाने की भूख है, लेकिन हमें मिल पाई केवल एक ही, तो कहते हैं कि उस समय पर एक रोटी भी बहुत अच्छा रहेगी। तो भूख को शांत करने के लिए एक रोटी तो मिली, ये वही बात है। कुछ ना होने से, कुछ भी ना हो न हो, उससे अच्छा है थोड़ा सा हो। अगला देखते हैं, जैसा देश वैसा भेष। भेष गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लीजिए। कि हम जिस जगह पर रहते हैं, हमारे आसपास का जैसा माहौल है, हमें वैसी ही बातें करनी चाहिए, वैसे ही कार्य करने चाहिए, अलग नहीं दिखना चाहिए।
व्हाइल इन रोम, जब हम रोम में होते हैं, डू एज द रोमन्स डू, जैसा रोम वाले करते हैं हमें भी वैसा ही कार्य करना चाहिए। दाम बनाए काम, जहां पर काम अटक जाता है वहां पर दाम का मतलब पैसा देना अच्छा रहता है। जैसे इसको एक तरह से हम कुछ लोग रिश्वत भी कहते हैं, लेकिन ये रिश्वत नहीं है बेटा। कई बार जो जायज पैसे गए होते हैं उससे थोड़ा हमें ज्यादा देना पड़ जाए तो कोई उसमें नुकसान नहीं होता। कुछ ज्यादा देना जरूरत में, किसमें, जरूरत में अच्छा होता है। मनी मेक्स द मेयर गो, पैसा सभी को चलाता है। मेयर का मतलब वैसे तो घोड़ी होता है, यानी कि घोड़ी को भी जगह छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। पैसा घोड़ी को भी चला देता है, लेकिन इसका मीनिंग यही होता है कि जरूरत पड़ने पर अगर हमें किसी चीज की खास जरूरत है कि भैया अभी चाहिए, तो उसका थोड़ा सा ज्यादा कीमत देने पर नुकसान नहीं होता। कार्य करना ज्यादा जरूरी है। मित्र वही जो विपत्ति में साथ दे, ये तो सभी को पता है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड, जो जरूरत में काम आए वही असली मित्र है। इनडीड का मतलब असल में। दूर के ढोल सुहावने, दूर से सभी चीजें अच्छी लगती हैं। डिस्टेंट हिल, दूर का पहाड़, लुक ग्रीन, हरा दिखता है, दूर की चीज अच्छी लगती है। दूर से चीज अच्छी लगती है। पानी में रहना और मगरमच्छ से बह, इसका मतलब है कि हमें ताकतवर से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। ताकतवर से दुश्मनी अच्छी नहीं। नेकी, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, टू लिव इन रोम, रोम में रहते हुए, एंड टू क्वारल विद द पोप, कि रोम में ही रहते हैं और वहां के पोप, पोप का मतलब होता है पुजारी, पुजारी से लड़ाई करना वो अच्छा नहीं होता। नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा काम करो और उसके परिणाम को मत देखो। अच्छा काम है तो उसके बारे में फिर ये मत सोचो कि तुम्हें कुछ मिलेगा। डू गुड एंड कास्ट इन टू द रिवर, अच्छा कार्य करो और उसको नदी में डाल दो, दरिया में डाल दो। लोहा लोहे को काटता है, यानी के सामने वाला जैसा कार्य करता है वैसा ही हमें भी करना चाहिए। डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड का मीनिंग तो पता है, हीरा हीरे को काटता है। अंधों में काना राजा, यानी के अगर बहुत सारे मूर्ख लोग हैं और उसमें कुछ एक को थोड़ी अच्छी बातें पता हैं, वही उनका राजा हो जाता है। यानी के थोड़ी समझ से ही आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। थोड़ा समझदार मूर्खों से अच्छा होता है। अ फिगर अमंग साइफर्स,
फिगर का मतलब होता है मूर्ति या तस्वीर, मूर्ति समझिए इसको। साइफर्स का मतलब होता है निशान, निशान या क ख ग जैसे होते हैं, यानी के अक्षर। अमंग का मतलब बीच में, अक्षरों के बीच में मूर्ति अलग से चमकती है। अमंग का मतलब बीच में, अक्षरों के बीच में मूर्ति अगर तस्वीर छपी होगी तो वह अलग से दिखेगी, जिस तरह से। और इसका हिंदी में आप समझिए कि बहुत सारे मूर्खों में जो समझदार होता है उस वो अच्छी बातें करेगा तो वो सबसे आगे निकल सकता है। जहाँ चाह वहाँ रा, आप मुसीबत अगर आप पर आ जाती है तो अगर आप उस मुसीबत को दूर करना चाहते हैं तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। मुसीबत को दूर करने के लिए मन में ठान लीजिए ठीक है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, वेयर देयर इज अ विल, विल का मतलब इच्छा, चाह, विल का मतलब चाह, देयर इज अ वे, वहीं पर रास्ता होता है, यही हिंदी में लिखा। राह का मतलब रास्ता। उल्टे बांस बरेली को, इसका मतलब होता है कि गलत कार्य हो जाए, इसको इंग्लिश में कहेंगे टू कैरी कोल टू अ न्यू कासल। नया नया आपने कासल बनाया, न्यू कासल का मतलब, कासल का मतलब होता है किला या महल, किला, नया किला बनाया और उसमें अगर कोयला लेकर जाएंगे, कैरी का मतलब ले जाना, कोयला, कोल का मतलब कोयला, तो क्या हो जाएगा, उसकी दीवारें काली हो जाएंगी, यानी के उल्टे काम हो जाएंगे, अच्छा कार्य ना होना। उल्टे बांस बरेली का मतलब होता है अच्छा कार्य ना होना। नेक्स्ट, मांग करने से पहले योग्य बनो कि किसी से कुछ, यानी कि अपने घर वालों से, खास तौर से पापा से, पापा से तभी मांगो जब तुमने कोई अच्छा कार्य किया हुआ हो, यानी कि तुम उसके योग्य हो। कुछ बच्चे चाहते हैं कि मुझे साइकिल मिल जाए, लेकिन परीक्षा में, एग्जाम्स में उसके मार्क्स कम आते हैं, तो पापा क्या कहते हैं कि पहले अच्छे नंबर लेकर आओ तभी तुम्हें साइकिल मिलेगी। तो इसका यही है, मांग करने से पहले योग्य बनो। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, डिजर्व का मतलब इच्छा करना, इच्छा करना, पहले इच्छा अच्छा बनो। डिजायर का मतलब इच्छा करना होता है, डिजर्व का मतलब होता है अच्छा बनना, अच्छा बनना या योग्य बनना। तो आज के लिए बस बच्चे यहीं तक, इनको याद करने की कोशिश कीजिए, इनके मीनिंग लिखिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताएं, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, हो सके तो लाइक भी दें। नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन है, उस पर क्लिक करें। लाइक के लिए थम्स अप बना हुआ होता है, प्लीज़ उसे, अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे क्लिक करें। थैंक यू बच्चों। इसको आपको नोटबुक में मीनिंग्स लिखने हैं, मैं आपको फिर से एक बार ये रोक, एक बार अच्छे से देख लीजिए, कहीं पर कोई समस्या आती है तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में या
टेनो ऐप के ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लिखने के लिए आप इसका स्क्रीन यहां पर वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वंस अगेन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको अगली वीडियोस के बारे में मैसेज मिल जाएगा और अच्छी लगे तो आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।